हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन आरसीआई एजुकेशन अप ऑनलाइन क्लास। डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी डिस्कस अबाउट द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। क्लियर बेटा? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इन प्रीवियस क्लास वी डिस्कस अबाउट द न्यूमेरिकल्स ऑफ मोलर कंडक्टिविटी एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। टिल प्रीवियस क्लास वी डिस्कस टोटली अबाउट द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। नाउ सेकेंड टाइप सेल इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो आज अपन डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। क्लियर बेटा? तो यहां पर इस सेल में सबसे पहले अपन बात करेंगे किसकी, डेफिनेशन की। दोज टाइप ऑफ सेल इन विच केमिकल एनर्जी कन्वर्ट इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्या कहा मैंने आपको? दोज टाइप ऑफ सेल इन विच केमिकल एनर्जी कन्वर्ट इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्या कहेंगे अपन उसको? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। मतलब कुछ केमिकल रिएक्शंस होगी। क्या होगी बेटा? कुछ केमिकल रिएक्शंस होगी जिससे अपने पास में कौन सी एनर्जी आएगी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मतलब करंट फ्लो होगा। क्या होगा आपका? करंट फ्लो होगा। क्लियर? ये फिनोमिना अगर किसी सेल में होती है तो उस सेल को अपन क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। क्लियर बेटा? अब इसकी अपन पहले पढ़ेंगे पूरी स्ट्रक्चर। तो आज की क्लास में अपन डेफिनेशन प्लस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की स्ट्रक्चर क्या होती है, फिर इसकी मैकेनिज्म जो होगी उसका थोड़ा सा पार्ट आज बता देंगे, बाकी डिटेल से अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कि किस तरह से इसकी मैकेनिज्म कंप्लीट होती है। देखिए बेटा, दोज टाइप ऑफ सेल इन विच केमिकल एनर्जी कन्वर्ट इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, दैट मीन्स सम केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस इन दिस सेल, देन करंट फ्लो बिटवीन द इलेक्ट्रोड इन गिवन इलेक्ट्रिक सर्किट। क्लियर? अब बात करते हैं कि आपका जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है वो सबसे पहले गैल्वेनिक, एक साइंटिस्ट था गैल्वेनो, राइट, और दूसरा था अपने पास में कौन सा, ओल्टा। कौन सा वैज्ञानिक था आपका? साइंटिस्ट था ओल्टा। इन दोनों ने सबसे पहले इलेक्ट्रोकेमिकल्स सेल का फॉर्मेशन किया। इसी वजह से इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को अपन किस नेम से जानते हैं, वो है आपके पास में गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक सेल या ओल्टियस सेल, ओल्टियक सेल। क्या नाम देंगे बेटा? गैल्वेनिक सेल और ओल्टियक सेल। किसको बोलेंगे अपन? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को। क्लियर बेटा? दूसरी बात, इसकी स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो आपके सामने डायग्राम है, ध्यान से देखिएगा। इलेक्ट्रोलाइटिक और इलेक्ट्रोकेमिकल दोनों को अगर कंपेयर करें तो आपको अगर थोड़ा सा ध्यान हो तो ये कंटेनर था, ये इलेक्ट्रोड था, और इस तरीके से अपने पास में वहां पर सेल का फॉर्मेशन हुआ था। तो वहां पर सबसे पहले जो इलेक्ट्रोलाइट था, इसकी बात कर रहा हूं बेटा मैं, इलेक्ट्रोलाइट था वो क्या था? सिंगल था, राइट। क्या था वो? सिंगल था, मतलब एक इलेक्ट्रोलाइट था। यहां पर इलेक्ट्रोलाइट टू गिवन है, इलेक्ट्रोड तो वही है। दूसरी चीज, यहां पर एक और गिवन है, सोल्ट ब्रिज। क्या गिवन है? सोल्ट ब्रिज। कंटेनर यहां पर इस वाले में एक ही था या कंटेनर आपके टू है, तो ये थोड़ा सा आपका इसमें चेंजेस है। तो देखिए, ये अपन ने यहां पर जिंक इलेक्ट्रोड और कॉपर इलेक्ट्रोड को लेकर किसको, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को डिजाइन किया है, राइट। इन दिस सेल, ये कौन सी साइड है आपकी? लेफ्ट साइड। देखो बेटा, कौन सी साइड है आपकी? ये लेफ्ट साइड, राइट। ये कौन सी साइड है आपके पास में? राइट साइड। कौन सी साइड है? ये राइट साइड। क्लियर? तो इस लेफ्ट साइड में देखो अपने पास में जिंक इलेक्ट्रोड। कौन सा इलेक्ट्रोड है? जिंक इलेक्ट्रोड। इसमें डिप कर रखा है अपन ने जिंक सल्फेट इलेक्ट्रोलाइट में। किसमें डिप कर रखा है? जिंक सल्फेट इलेक्ट्रोलाइट में। इलेक्ट्रोड की मैं आपको पहले बात कर चुका, दोज टाइप ऑफ मेटल पार्ट इन विच केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस ऑन इट्स सरफेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड।
ऐसा मेटल का पार्ट जिसपे केमिकल रिएक्शन, जिसकी सरफेस पे केमिकल रिएक्शन कंप्लीट होती है, उसको अपन क्या कहते हैं, पेट्रोल। ये जिंक एक मेटल है, इसकी सरफेस पे क्या होगी, केमिकल रिएक्शन पॉसिबल है, दैट इट वर्क एट ए इलेक्ट्रोड सेम एज कॉपर मेटल भी क्या है आपका, इलेक्ट्रोड, जिनको यहाँ पर बैटरी और आपको एक गैल्वेनोमीटर जो आपको डायरेक्शन ऑफ करंट को बताएगा उससे कंप्लीट करके यहाँ पर इलेक्ट्रिक सर्किट अपन ने कंप्लीट कर रखा है, राइट। इन लेफ्ट साइड जिंक इलेक्ट्रोड डिप इन जिंक सल्फेट इलेक्ट्रोलाइट, सेम एज इन राइट साइड कॉपर इलेक्ट्रोड डिप्ड इन कॉपर सल्फेट इलेक्ट्रोलाइट, एंड बोथ इलेक्ट्रोड आर कनेक्ट विद बैटरी एंड गैल्वेनोमीटर एंड कंप्लीट ए इलेक्ट्रिक सर्किट, क्लियर। एंड बोथ इलेक्ट्रोलाइट आर कनेक्ट बाई द सोल्ट ब्रिज, इसकी बात कर रहे हैं अपन सोल्ट ब्रिज की, तो यहां पर मैं थोड़ी सी आपको दे देता हूं, सोल्ट ब्रिज है क्या अपने पास, सोल्ट ब्रिज है क्या, दोनों इलेक्ट्रोलाइट को अपन ने क्या कर रखा है, सोल्ट ब्रिज से कनेक्ट कर रखा है, दैट मीन्स सोल्ट ब्रिज आपका वो ट्यूब है जो दोनों इलेक्ट्रोलाइट को क्या करती है, कनेक्ट करती है, तो सोल्ट ब्रिज आपकी एक यू शेप U-shaped ग्लास ट्यूब है, क्या है बेटा, ग्लास ट्यूब है, क्लियर। दिस इज द U-shaped ग्लास ट्यूब जिसमें क्या फिल कर रखा है अपन ने, जो आपका अगार सॉल्यूशन होता है या आपका एक जेल टाइप का सॉल्यूशन होता है, राइट, अगार सॉल्यूशन होता है उसमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जैसे KCl या Na2SO4, ध्यान दीजिए बेटा, इस वाले ट्यूब में अपन ने क्या फिल कर रखा है, अगार सॉल्यूशन के साथ में KCl Na2SO4 जैसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को अपन ने फिल कर रखा है, और दोनों जो आपके इसके एंड है इसके ग्लास ट्यूब के, उसको अपन ने कॉटन से क्या कर रखा है, प्लग, कॉटन से प्लग कर रखा है, मतलब इसको कॉटन से बंद कर रखा है अपन ने, इसको क्लोज कर रखा है, क्लियर। तो ये सोल्ट ब्रिज जो है यू शेप ग्लास ट्यूब है जिसमें अगार सॉल्यूशन विद स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट फिल कर रखा है, और दोनों जो उसके एंड है वो कॉटन प्लग से अपन ने क्या कर रखे हैं, क्लोज कर रखे हैं, क्लियर। अब बात आती है यहाँ पर, जब अपने पास में ये जिंक इलेक्ट्रोड है, ध्यान दीजिए बेटा, जिंक इलेक्ट्रोड है ये आपका लेफ्ट साइड में है, और यहाँ पे कौन सी रिएक्शन होती है बेटा, ध्यान दो, यहाँ पर होती है ऑक्सीडेशन, क्या होता है यहां पर, ऑक्सीडेशन, क्लियर। और ये जो आपकी राइट साइड है यहां पर क्या होता है आपका, रिडक्शन, क्या होता है यहां पर, रिडक्शन। और आप जानते हो इन सेल्स जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है वो किस मैनर में होता है, लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो माइनस इलेक्ट्रॉन, और यहां पर क्या होगा, प्लस इलेक्ट्रॉन, राइट, लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड एक्सेप्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन मतलब लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन और रिडक्शन मतलब एक्सेप्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जिस सरफेस पे ऑक्सीडेशन होता है उसको अपन क्या देते हैं, दैट इज कॉल्ड एनोड, और जिस सरफेस पे रिडक्शन होता है दैट इज कॉल्ड कैथोड। अब यहाँ पर दोनों ही मेटल है और दोनों मेटल की नेचर क्या होती है, इलेक्ट्रॉन लूज करने की, दैट मीन्स दोनों क्या होना चाहिए, ऑक्सीडेशन, बट एक का रिडक्शन हो रहा है एक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, दैट मीन्स कैसे पॉसिबल है, हाउ दैट इज पॉसिबल, ये पॉसिबल है, आपको 11th में भी कुछ डिस्कस किया था, इट इज बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इन विच इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इन विच इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर कैपेबिलिटी, इन विच जिंक इज मोर कैपेबल देन कॉपर, जिंक क्या है मोर कैपेसिटी रखता है किससे, कॉपर से, जिंक का जो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वो क्या होता है, -0.76 volt, राइट, और जो उसका होता है वो होता है आपका +0.34 volt, तो यहां पर इसका रिडक्शन पोटेंशियल और इसका रिडक्शन पोटेंशियल दोनों में डिफरेंस है, तो इसकी कैपेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी इलेक्ट्रॉन लूज करने की, तो इसको क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना होगा, क्लियर। सो इट इज वर्क एट एनोड एंड सी वर्क एट कैथोड, और किस सरफेस पे ऑक्सीडेशन होता है, सो दिस इलेक्ट्रोड एक्ट एज एनोड, और इस सरफेस पे क्या होता है, रिडक्शन, सो इट इज कॉल्ड
क्लियर, दिस इज द कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। क्लियर बेटा। अब बात करें यहां पर कि जो सेल में कौन कौन सी आपकी रिएक्शंस कंप्लीट होगी, तो ध्यान दीजिए यहां पर जो आपका जिंक इलेक्ट्रोड है, इन लेफ्ट साइड जिंक इलेक्ट्रोड, इसकी बात करूं मैं, इन लेफ्ट साइड जिंक इलेक्ट्रोड एट एनोड, इसकी बात की मैंने, एट एनोड क्या होता है, ऑक्सीडेशन कैसे होगा, जिंक इसमें है सॉलिड में, दिस इज इलेक्ट्रोड एंड कन्वर्टेड टू जिंक प्लस टू एक्वस प्लस लूजिंग ऑफ टू इलेक्ट्रॉन, दीज इलेक्ट्रॉन आर मूव टूवर्ड्स द कैथोड इलेक्ट्रोड, वेयर एज कॉपर प्लस टू आयन आर प्रेजेंट, जहां पे क्या प्रेजेंट है बेटा, कॉपर प्लस टू आयन प्रेजेंट है ऑन द सरफेस ऑफ कॉपर इलेक्ट्रोड विच एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन एंड कन्वर्ट इन टू कॉपर सॉलिड, दिस इज द एट एनोड, जहां पे क्या होता है रिडक्शन, क्या होता है बेटा रिडक्शन, दीज आर टू केमिकल रिएक्शन विच टेक प्लेस ऑन द एनोड एंड कैथोड, ऑन द जिंक इलेक्ट्रोड एंड कॉपर इलेक्ट्रोड इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, एंड कंप्लीट रिएक्शन दैट इज जिंक सॉलिड प्लस कॉपर प्लस टू एक्वस इज इक्वल टू जिंक प्लस टू एक्वस प्लस कॉपर सॉलिड, दैट मीन्स जिंक ऑक्सीडाइज एंड कॉपर प्लस टू रिड्यूस, जिंक ऑक्सीडाइज एंड कॉपर प्लस टू रिड्यूस, दिस इज द एनोडिक रिएक्शन, दिस इज द कैथोडिक रिएक्शन, दिस इज द कंप्लीट सेल रिएक्शन, दिस इज द कंप्लीट सेल रिएक्शन, यहां से ये तीनों का आपका एग्जाम आता है। राइट द हाफ सेल रिएक्शन, इसको अपन हाफ सेल रिएक्शन बात करेंगे, राइट द इलेक्ट्रोडिक रिएक्शन, राइट द एनोड रिएक्शन, तो ये एनोड की रिएक्शन है, कैथोड की रिएक्शन है, पूरे सेल की रिएक्शन कंप्लीट, तो ये दोनों रिएक्शन आपको यहां रखनी है जिससे अपन कंप्लीट रिएक्शन यहां पर ऑब्टेन कर सकते हैं। अब यहां पर ये प्रोसेस कब तक चलती रहेगी, ये प्रोसेस आपकी कब तक चलती रहेगी, जब तक आपका ये सर्किट क्या है, क्लोज है। अब ध्यान देना बेटा, क्लोज का मतलब यहां पर बंद होने से नहीं है, क्लोज का मतलब है ये सर्किट कंप्लीट है, कहीं से आपका डिस्कनेक्ट नहीं है जब तक इसमें करंट फ्लो होता रहेगा। अगर इसमें इलेक्ट्रॉन कहां से मूव हो रहे हैं, इधर तो जाते हैं आपके इलेक्ट्रॉन और इधर आता है आपका करंट, जाता है यहां पर करंट आई जो होता है, राइट। तो एनोड टू कैथोड तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, और कैथोड टू एनोड क्या होगा, आपका करंट मूव होगा, ध्यान दीजिए। अब यहां पर ये सर्किट जो है करंट फ्लो है कब तक होगा, जब तक ये सर्किट क्या रहे, क्लोज रहे, क्लोज का मतलब है कंप्लीट सर्किट रहे। दूसरी चीज आपके पास में जो आयंस है क्या है, इन आयंस का क्या होता रहे रिडक्शन कॉपर प्लस टू का, और इनका क्या रहा होता रहे आपका ऑक्सीडेशन, दैट मीन्स जिंक इन्वॉल्व इन ऑक्सीडेशन एंड कॉपर प्लस टू इन्वॉल्व इन रिडक्शन, और लास्ट आपका सोल्ट ब्रिज है, सोल्ट ब्रिज है वो प्रेजेंट हो, सोल्ट ब्रिज क्या हो आपका प्रेजेंट हो, अगर ये प्रेजेंट नहीं होगा तो आपके आयंस इधर से इधर नहीं आएंगे, आपका ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आयन डज नॉट टेक प्लेस। तो अपने पास में ये भी पॉसिबल, अगर इसको हटा दें तो अपना जो सर्किट है वो बंद हो जाएगा, करंट फ्लो बंद हो जाएगा, तो चार कंडीशन है जिसमें आपका करंट फ्लो रुकेगा नहीं, चलता रहेगा, कौन सा, सर्किट कंप्लीट होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए, दूसरी चीज जिनका ऑक्सीडेशन चलता रहे, कॉपर प्लस टू का रिडक्शन चलता रहे, और साल्ट ब्रिज प्रेजेंट रहे। ले लो बेटा, दूसरी चीज सोल्ट ब्रिज का वर्क क्या है, ध्यान देना, ये सोल्ट ब्रिज का वर्क क्या है, सुन लो इधर, एक तो होता है आपका टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, दूसरी तरफ कंप्लीट इलेक्ट्रिक सर्किट, क्या करे बेटा, दो काम है इसका, टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, क्योंकि आयंस आपके इधर से इधर बराबर आयंस रखता है, और दूसरा सर्किट को कंप्लीट करता है, ये दो वर्क इसके मेन है,
इसके थर्ड बेस के। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल विद इलेक्ट्रोडिक रिएक्शन, विद इलेक्ट्रोडिक रिएक्शन। क्लियर, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये पूरी क्लास समझ में आई होगी। वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।